तो क्लास टेन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ आखिरी दिन, और इन आखिरी दिनों में आपको ये पांच गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये पांच गलतियां कर जाते हो अपने इन आखिरी दिनों में, जो कि मैक्सिमम बच्चे कर रहे होते हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 10-20% का अच्छा खासा फटका पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में इन्हीं गलतियों की बात करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं, बात करते हैं पहली गलती के बारे में। तो अब तक सभी लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन इन आखिरी टाइम्स में आपको ये मान लेना कि मेरे को सब आता है, मतलब मैं ही भगवान हूं क्लास टेंथ का, मैं सब जानता हूं, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आप करते हो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप रिविजन नहीं करना चाहते हो आखिरी टाइम्स के अंदर, बल्कि रिविजन ही वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एक क्लास टेंथ के बच्चे को करना चाहिए अपने आखिरी टाइम्स के अंदर। जितना मल्टीपल टाइम्स आप रिविजन कर रहे होगे, उतनी ही चीजें आपके दिमाग में सेट हो रही होंगी। रिविजन करने का सही ढंग भी सुन लो भाई, यूट्यूब पे तुम्हें कहीं मिलने वाला है। रिवीजन करने का सही ढंग होता है आई डोंट मैटर द सब्जेक्ट, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एक ही ढंग से रिवाइज करना होता है। क्या है भाई कि रिवीजन करते टाइम जो भी चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हो, अप्रोच इट एज कि आप उसको पहली बार अप्रोच कर रहे हो। आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखना है कि वो चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, जैसे मैं उसके सामने पहली बार आ रहा हूं मैं वैसे ही आऊंगा। वो होता है आपका करेक्ट वे ऑफ रिवीजन। बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग ढंग बताते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव, सबसे साइंटिफिक प्रूवन ढंग यही है रिवाइज करने का, कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि भाई ये पहली बार मैं पढ़ रहा हूं, पहली बार मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ा, पहली बार मैंने रियल नंबर पढ़ा, पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, पहली बार लाइट पढ़ा, पहली बार जो होता है इंग्लिश का कोई कहानी पढ़ी। तो उसको ऐसे पढ़ो कि उसको आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो वो रिवाइज बहुत ज्यादा हो जाता है। जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ये सबसे पहली गलती है जो आप कर रहे होते हो। नंबर दो गलती की बात करते हैं। अब भाई डेज बड़े ही लिमिटेड बचे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन अब आप डेली गोल नहीं सेट कर रहे होते हो, आप बिना प्रॉपर प्लान के चल रहे होते हो। बिना प्रॉपर प्लान नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता अगले वीक क्या होने वाला है, आप डेली गोल के प्रॉपर नहीं चल रहे होते हो। आपको एक डेली गोल जरूर सेट कर लेना है अपना, उसी डेली गोल के हिसाब से आप जो होता है चीजों को कर रहे होगे, चीजों को आप अचीव कर रहे होगे। अगर आपको डेली गोल नहीं सेट कर मिलना है, पढ़ाई के मजा ने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है इसके ऊपर, आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां से जाके देख सकते हो डेली गोल के ऊपर, या डायरेक्ट डाल सकते हो 10th फोड़ो यात्रा, आप पढ़ाई मजा की, वहां पे मैंने डेली गोल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रखा है कि भाई आप डेली गोल कैसे सेट कर रहे होगे। नंबर दो गलती ये है। नंबर तीसरी गलती की बात करते हैं। आपने सब पढ़ लिया है, आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, आपको सब आता है, ये आपको कैसे पता? आपको ये अपने आप को असेस करना होगा कि भाई मेरे को आता है या नहीं आता है। मैंने खाली जो होता है, एक होता है कि भाई फेक मेमोरी बन रही है, एक आपका माइंड फेक मेमोरी को बनाने लगता है। उस फेक मेमोरी से बचने के लिए आपको सेल्फ असेसमेंट जरूर करना होता है अपने हर टाइम में। आप हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो, अपने भाई बहन हो उनसे कह दो भाई मेरे से ये चैप्टर है, मेरे से इसके लिए रिगार्डिंग 2-4 क्वेश्चन पूछ लो, आपका काम हो जाएगा। आपको अगर वो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपने जो चीजें पढ़ी वो आपके माइंड ने रिटेन कर ली हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो आपके माइंड ने रिटेन नहीं करी, वो आपकी फेक मेमोरी में स्टोर हो गई है। माइंड के पास में एक फेक मेमोरी होती है जिसमें वो चीजों को स्टोर कर रहा होता है। तो उससे बचने के लिए आपको रोज अपने आप को सेल्फ असेस करना है। अगर रोज नहीं कर पा रहे हो, हफ्ते में एक बार संडे का दिन है भाई, संडे को दिन को निकाल लो कि हां संडे को मैं अपने आप को सेल्फ असेस करूंगा, मैंने हफ्ते में जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उनको मैं अपने आप को असेस कर रहा हूं कि भाई मेरे को ये चैप्टर आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आप ये नहीं करते हो तो भाई माइंड आपका कुछ ना कुछ फेक मेमोरी एग्जिस्ट करने लगती है माइंड के अंदर। फिर क्या होता है, फिर वही चीज होती है कि एग्जाम में गए, पेपर देख के सब ब्लैंक हो गया, व्हाइट स्क्रीन आ गई सामने, समझ में ही नहीं आया करना क्या है, हमें तो ने तो पढ़ा था लेकिन हमें आया ही नहीं पेपर में, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बने। तो ये होता है व्हाइट मेमोरी का, आपका जो मेन ब्रेन आपकी फेक मेमोरी क्रिएट कर रहा होता है उसका असर होता है कि आपको एक व्हाइट स्क्रीन आ जाती है पेपर देखते ही, कुछ समझ में नहीं आता कि भाई करना क्या है। नंबर 4 और नंबर 5 की जो मैं गलती बात करने वाला हूं, वो गलती ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपका बोर्ड का पेपर ही जा सकता है। तो चलिए जरा बात करते हैं। नंबर 4 है, अब बहुत ही कम टाइम बचा है, आप इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हो। ये डाइट का पढ़ाई से क्या लेना देना, बहुत बढ़िया लेना देना है। अगर आपकी डाइट इम्प्रॉपर है, डाइट इम्प्रॉपर होने से ये जो चौथी गलती है ये पांचवीं गलती में तब्दील हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो। अगर आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो तो उससे आपको इलनेस हो सकती है। इलनेस हो गई तो भाई ना पढ़ाई होगी, ना बोर्ड का पेपर अच्छे से लिख पाओगे, और जो पूरी साल भर मेहनत करी एक चुटकी बजाते ही वो मेहनत हो जाती है गायब। तो अब इन आखिरी टाइम से फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दो भाई। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, मैकडोनाल्ड कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाना है। घर में जो मम्मी आपको दे रही है चुपचाप खा लो भाई। अगले आपके 10-20 दिन के अंदर आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर लिखना है। फुल 100% एफिशिएंसी आपके माइंड को चाहिए है, वो तभी मिलेगी जब आपकी हेल्थ प्रॉपर होगी। कोई इस बात पर पॉइंट आउट नहीं करता है, बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब,
पे आखिरी पे ये मत करना वो मत करना, लेकिन भाई कुछ भी ना करना तुम हेल्थ का अपना जरूर ख्याल रखना। लेकिन अगर हेल्थ बिगड़ गई तो पूरा का पूरा मामला, पूरी पूरी साल भर की साइकिल सब बिगड़ जाएगी और लास्ट में आप क्या होगा, आप बोर्ड का पेपर ही नहीं लिख पाओगे, जब लिख नहीं पाओगे तो नंबर नहीं आने वाले हैं। तो ये 5 गलतियां हैं, आपको इनका जरूर ध्यान रखना है अपने आखिरी टाइम्स के अंदर जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर नॉट मैटर आप क्लास 10th के बच्चे हो या क्लास 12th के, आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। एंड मे गॉड ब्लेस यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो का लाइक एम है 1.5K लाइक्स इन 1 डे। आप सभी BKM बच्चापाड़ी को लाइक जरूर करके जाना है और कमेंट जरूर करना भाई इन 5 गलतियों में से कौन कौन क्या क्या गलतियां कर रहा था तो मैं भी तो जानू जरा। तो इन दी कमेंट सेक्शन सभी लोग कमेंट भी करेंगे। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही पढ़ते रहिए जनाब, ऐसे ही फोड़ते रहिए।